जेबीटी में बीएड लेने का फैसला था जल्दबाजी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कहने पर एनसीटीई ने जारी की थी नोटिफिकेशन। जेबीटी यानी डीएलएड के पदों पर बीएड को लेने का फैसला एनसीटीई ने जल्दबाजी में लिया था। सुप्रीम कोर्ट से आए 46 पेज के फैसले में ऐसे कई पहलू साफ हो गए हैं। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने 28 जून 2018 को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्राइमरी टीचिंग के लिए बीएड को पात्र बनाया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में रखे गए एक रिकॉर्ड से पता चला है कि दरअसल केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह मांग की थी कि उनके केंद्रीय विद्यालय में डीएलएड टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बीएड को भी अनुमति दे दी जाए। 28 मई 2018 को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ कि एनसीटी को इस बारे में निर्देश जारी करने को कहा जाए। काउंसलिंग ने एक महीने के भीतर ही बिना किसी सर्वे या फीडबैक के मंत्रालय के कहने पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दी। इससे हुआ यह कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए बनाई प्रक्रिया पूरे देश में लागू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड साइकोलॉजी और डीएलएड और बीएड के सिलेबस के आधार पर कहा कि प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ जेबीटी या डीएलएड ही ट्रेंड है, बीएड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि 28 जून 2018 से पहले एनसीटीई ने अपने सभी आदेशों में यह ध्यान रखा है कि बीएड प्राइमरी टीचिंग में न आए, जबकि इसके बाद मंत्रालय के कहने पर जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी कर दी। कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसे स्वतंत्र फैसले लेने चाहिए, लेकिन इस मामले में यह पॉलिसी डिसीजन नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए 18 जून 2018 की एनसीटीई की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हायर क्वालिफिकेशन वाले तर्क को भी खारिज कर दिया और कहा कि राज्यों को अपने भर्ती नियमों के अनुसार इसमें अधिकार होना चाहिए। शिक्षा बोर्ड को वापस लेने होंगे टेट सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक करनी है। अभी से फैसले के बाद नई भर्तियों को गति दी जाएगी। दूसरी तरफ हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस बीच बीएड अभ्यर्थियों को दिए जेबीटी टेट सर्टिफिकेट को भी वापस लेना होगा। सीबीएसई सी टेट के लिए यह प्रक्रिया लागू कर रही है।